तो मसूरी मैं जाना काम बेबी काम काम अच्छा सुनो ये मसूरी है और यहाँ पे बहुत ठंड होती है और आपको तो पता है मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो मार्केट से एक ओवरकोट लेकर आओ ना और हाँ खाने के लिए भी कुछ लेकर आना बेबी जब तुम्हें पता था कि हम दिल्ली से मसूरी आ रहे हैं और मसूरी में ठंड होती है तो घर से गर्म कपड़े लाने चाहिए थे ना है? खाने पीने बार बार खर्चा करवाती रहती यार खर्चा इतना सा नहीं कर सकती क्या मेरे लिए प्यार ही नहीं करते मुझे एक घंटे की मोहलत दो मैं मार्केट जा रहा हूँ तुम्हारे लिए A1 ओवरकोट लेकर आता हूँ और कुछ खाने के लिए भी एक काम करो तब तो तुम फ्रेश हो जाओगे मैं आया हूँ मेरी भी बता रही थी कि मसूरी में बहुत अच्छी हाई हील्स मिलती हैं तो तुम मुझे लाके दोगे ना भी लास्ट वीक में शॉपिंग कराई है मैंने वो तो लास्ट वीक कराई है ना मुझे आज चाहिए देखो बेबी खर्चा बहुत हो गया है कोई शॉपिंग नहीं बस नहीं मुझे चाहिए 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 मुझे आज ही चाहिए ठीक है ऐसा करते हैं मैं भी जाता हूँ तुम्हारी हाई हील्स लेके आता हूँ बस खुश ठीक है तुम जाओ हील्स लेके आओ मैं तब तक आराम करती हूँ मैं बहुत थक चुकी हूँ क्या घड़ी में प्रपोज करी वो नहीं आ रही थे कुल खर्चा करोड़ लगे कुल खर्चा क्यों भाई अरे क्यों हो यार बोनी मैं मसूरी नहीं छो मैं तो ठंड से लगने मैं तो ओवरकोट दिलावा अबे कटपटी दिलो यार तेरी कसम तू जैसे पता था कि दिल्ली से आ रही है मसूरी आ रही ठंडा इलाका अबे तो गर्म कपड़े लेके आती ना भाई जी आपसे तो ओवरकोट मांग रही है तेरी कसम यार बैंक अकाउंट में 175 रुपया बचा छे बैंक पटी फोन चौन लग गया कि भाई साहब इस अकाउंट को बंद कर दो हमने क्या करना है आपके 175 रुपये का मेरे अकाउंट तो ब्लॉक छे ब्लॉक कसम यार ये दिल्ली की लड़की ना बड़ा खर्चा कराती कसम से बहुत गलती कर दी यार तेरी कसम ये देसी लोग बड़ा खतरनाक होते यार अपनी पहाड़ों की लड़कियां बड़ी और समय तेरी कसम कोई खर्चा नहीं कराती रे रब एक आइडिया मेरे पास इनको करते बाहर से लॉक और एक दो घंटे के लिए दोनों भाई घूम के आते हैं बाहर में जो फटाफट लॉक